जीवन को महान बनाने वाली प्रेरणादायक कहानी है। निस्वार्थ भाव से जगत कल्याण की सेवा में समर्पित महान व्यक्तियों के अनुभव। प्रजापिता पिताश्री ब्रह्मा एवं मातेश्वरी जगदम्बा सरस्वती के संग के रंग, ईश्वरीय यज्ञ इतिहास की झलकी तथा परमात्म शक्ति अनुभूति से अपना जीवन श्रेष्ठ बनाने के लिए देखिए कार्यक्रम प्रेरणा। दीपक देता है रोशनी फैलाने की प्रेरणा, फलदायी वृक्ष देता है देने की प्रेरणा, मधुबन देता है महकते रहने की प्रेरणा, महान व्यक्ति देते हैं जीवन जीने की प्रेरणा। आओ प्रेरणा से दें हम सभी को प्रेरणा। नमस्कार, आइए प्रेरणा कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, इस कार्यक्रम में हम आपकी मुलाकात कराते हैं ऐसी प्रेरणादायी हस्तियों से जिनका संपूर्ण व्यक्तित्व निस्वार्थ सेवा करने और जीवन को दिव्य बनाने की प्रेरणा देता है। ये वो महान आत्माएं हैं जो अध्यात्म के पथ को अपनाकर ईश्वरीय प्रेम का रसपान करते हुए जन जन को ईश्वर के सानिध्य का अनुभव करा रही हैं। हमें आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आप भी इन दिव्य विभूतियों के अनुभवों से प्रेरणा प्राप्त कर अपना जीवन श्रेष्ठ और सफल बनाएंगे। भारत देश की राजधानी, एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली महानगर यमुना नदी के किनारे पर स्थित है। भारत देश के इतिहास में दिल्ली का स्थान हमेशा से ही गौरवशाली रहा है। दिल्ली मालवीय नगर के ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय की आदरणीय सुंदरी दीदी जी मुख्य संचालिका के रूप में निमित्त है। दीदी जी का जन्म अखंड भारत के सिंध हैदराबाद में 1937 में हुआ। बचपन से ही आप भक्ति भाव एवं सेवा भाव से भरपूर रहे। आप सरल चित, निर्माण चित, दयालु, निरअहंकारी, निर्विकारी प्रेम स्वरूपा है। सत्य परमात्मा की खोज में 1958 में आपको सच्चे ईश्वरीय ज्ञान की प्राप्ति हुई। 1959 में जगदम्बा माँ सरस्वती मम्मा से एवं 1960 में
प्रजापिता ब्रह्मा बाबा से मिलने का आपको श्रेष्ठ सौभाग्य मिला। मम्मा बाबा से प्रेरणा लेकर तुरंत ही आपने अपना जीवन ईश्वरीय सेवा में समर्पित कर दिया। आप दिल्ली, सरोजनी नगर, अहमदाबाद, मुंबई आदि स्थानों पर सेवाएं देते हुए 1962 से मालवीय नगर दिल्ली में अपनी सेवाएं स्थायी रूप से दे रही है। जन जन को शांति का संदेश देते हुए आपने शांति यात्रा, सर्वधर्म सम्मेलन, समाज सेवा में नई दिशा, धार्मिक सम्मेलन, देवियों की झांकियां इत्यादि अनेक कार्यक्रमों का आयोजन किया। वर्तमान समय दीदी जी के नेतृत्व में 8 सेवा केंद्र, 33 उपसेवा केंद्र, 100 गीता पाठशालाओं में 10,000 से भी अधिक विद्यार्थी परमात्म छत्र छाया में पल रहे हैं। हम बचपन से ही माँ बाप के पालना अच्छी तरह ना ली होने के कारण थोड़ा सा जो माता पिता से बच्चों को प्यार मिलता है वो कुछ कम मिला, इसलिए हमें थोड़ा थोड़ा दुख की फीलिंग मिली और इसीलिए हम भगवान को याद करते थे, छोटेपन से ही करते थे। अचानक ही एक बार हम सत्यनारायण की कथा करके पूजा करके सबको प्रसाद देने गए तो हमारे साथ 4 घर होते थे जो क्वार्टर होते थे, तो हम नीचे इनके घर में गए प्रसाद देने। तो जब प्रसाद देने के लिए बैठे थे तो अचानक ही उनकी पाकिस्तान वाली मासी वो वहाँ पर आई और हमसे बातचीत की। तो उसने कहा, आप सत्यनारायण को किस रूप से याद करते हो, मतलब भगवान समझ के याद करते हो या बच्चा समझ के याद करते हो, बाप समझ के उसको याद करते हो? हमें इतनी समझ में नहीं आया इस बात। फिर उसने हमको बोला कि एक किताब दिया, मनुष्य क्या कहते हैं और भगवान क्या कहता है। हमें वो भी इतना समझ में नहीं, कहा आप लोग पढ़ना ये ठीक है, और कहा कि यहाँ पर एक सप्ताह के बाद मैं फिर आऊँगी क्योंकि यहाँ पर हमारा सेंटर खुलने वाला है तो आप सबको ले चलूँगी। एक सप्ताह तो बहुत जल्दी बीतता है। अच्छा, तो हम सब उसके साथ गए, इसमें लक्ष्मण जी, मोहिनी बहन, उनकी माता जी सभी गए वहाँ पर। तो सब लोग योग में बैठे हुए थे और गीत चल रहा था, लाल लाइट थी, तो हम भी जाके शांति में बैठे। तो थोड़ी देर में हमको ऐसे लगा जैसे मेरे कानों में कोई कह रहा है, आपको शांति यहाँ मिलेगी, आपको शांति यहाँ मिलेगी। तो हमने देखा इधर उधर कोई बोल भी नहीं रहा है, सब शांति में ही बैठे हैं, कौन ये आवाज़ कर रहा है, पता नहीं कौन कर रहा है। तो मैं उस बस शांति आपको यहाँ मिलेगी, हम शांति में ही बैठे हुए थे। थोड़ी देर के बाद सफ़ेद लाइट चली, लाल लाइट बंद हो गई और एक भाई था जो गद्दी पर बैठा हुआ था और उसने वाणी उठाई और वाणी सबको पढ़ के सुनाई। तो हमें वाणी तो समझ में नहीं आई, कोई बात नहीं, हम क्लास पूरा हुआ सुबह के टाइम गए। फिर वो भाई भी गवर्नमेंट सर्वेंट था तो वो अपना तैयार होके वो भी चला गया और वो अकेला ही था, कुमार था, और हम लोग भी वापस आ गए। लेकिन हमको जैसे शांति का जो ना आवाज़ जो आया था वो बहुत अच्छा लग रहा था। और मैं जब काम पूरा होता था तो शांति में बैठ जाती थी तो मुझे अच्छा लगता था, जैसे ना अंदर खुशी आती थी और ऐसे
तो हमें बाबा से प्यार भी बहुत हो गया और हम प्रेम से आंसू भी बहाते थे बहुत, और ऐसा लगता था कि हमें तो भगवान मिल गए। हमें नशा चढ़ता गया, थोड़े दिन मधुबन रहे, फिर बाबा ने बॉम्बे में रमेश भाई ने हमको बुलाया। वहाँ पर निर्मल शांता दादी रहती थी, तो वहाँ उनका भी उन्हीं थोड़े दिनों पहले मैरिज हुई थी, तो वहाँ रहे। फिर सारे कुछ सेंटरों पर देखे, फिर बिरजिंद्रा दादी जो बाबा की बहू थी, सियान सेंटर, उसने हमको रात भर पूरा बैठ के बाबा की कहानी सुनाई, कैसे बाबा आया। फिर हम उसके बाद पुणे में गए। पुणे में मम्मा की माँ थी जो बड़ी संदेशी थी, तो उन दिनों में वो ठीक नहीं थी, पर बहुत सिंधी थे, सारे बहनों के बेस बने हुए थे, जो जो बहनें यज्ञ में आई थी, और तो सब से मिले, सब लोग बड़े खुश हो रहे थे। कहाँ तो बाबा बिल्कुल मना करते, कहाँ तो बाबा शादियाँ करा तो, पर बाबा है जो बाबा को जिस समय जैसा होगा टाइम ड्रामा बना हुआ वो, चलो सबने देख, बहुत अच्छा लगा। जानकी दादी तब क्वार्टर गेट सेंटर पे थी और छोटा था बहुत कमरा, पर बहुत अच्छा हो गया। फिर वापस मधुबन में आए, जो कुछ वहाँ से गिफ्टें वगैरह मिली वो हमने बाबा के आगे रख दी। फिर बाबा ने जो देना था, फिर दो दिन के बाद हम दिल्ली आए, तो दिल्ली में हम लोग ये लोग साउथ एक्सटेंशन में रहते थे। फिर उन्हीं दिनों में भिवानी रोहतक के पास, वहाँ सेंटर खुला था, तो हमको वहाँ भेज दिया। भाई साहब तो सर्विस करते थे, हमारे को तो बंधन नहीं रहा ना कोई, तो वहाँ उस नए सेंटर पे भेजा। 3 मास हम वहाँ रहे, उसके बाद फिर हम दिल्ली में आए, तो बड़ी मीटिंग थी, सब मिले, तो हम वहाँ पर ऊपर ही सेंटर था ना, तो नीचे तो उतरते ही नहीं थे, सारा टाइम लोग आते, क्लास करो, कोर्स कराओ, खाना खाओ, सो जाओ, तो क्या तोरे मोटापा भी शरीर में आ गया, बहुत पतले पतले थे पहले तो, और तो सबने देखा, अरे तुम तो बड़े हेल्दी बन गए हो दीदी। तब दीदी ज़्यादा हमको वो करती थी। ऐसे करते हुए हम 3 मास वहाँ पूरा करके आए, फिर साउथ एक्सटेंशन में खोला, फिर वहाँ मामा भी आए, तो ऐसे करते हुए हम सब जगह क्लासेस कराना, ये करना सब करते थे। तब हम सारा परिवार इकट्ठा साउथ एक्सटेंशन में, लक्ष्मण जी की बहनें भी और माता जी और उसकी जो शादी की हुई बहनें वो भी हैं, उसकी मासी भी, इनकी चारों मासियां ज्ञान में चलती थी, मतलब सब लोग ज्ञान में चल पड़े, पर फिर भी कुछ छोड़ के भी गए। तो ऐसे करते हुए हम वहाँ पर बहुत अच्छा टाइम बीता गया, और हम लोग खूब सेवाएं करते थे, और तभी वो डॉक्टर माथुर जो है ये निकला था वहाँ साउथ एक्सटेंशन में। मम्मा आई थी। ऐसा कौन है जिसको आंख के देखा नहीं जाता लेकिन दिल पहचानती है, ऐसा कौन है? शिवराम जी, बाप, बाप बेहद का बाप, हाँ, जिसको निराकार बाप कहो, शरीर के पिता को साकार, वो निराकार, तो निराकार बाप जिसको निराकार परम पिता परमात्मा कहा जाता है, वो इस आँखों से भले देखा नहीं जाता लेकिन जाना जाता है,
पहचाना जाता है, ऐसे नहीं आँखों से नहीं देखा जाता है, उसी लिए कोई चीज ही नहीं है, नहीं। फिर लक्ष्मण जी को ऑफिस से वो मिला था कुछ टिकट विदेश में, तो हम काफी देशों में घूम के आ गए, मतलब सेंटर तो सब जगह थे। तभी मोहिनी बहन अमेरिका में ही थी, तो यहाँ से हम पहले अमेरिका ही गए, फिर वहाँ से मियामी, टेम्पा, सब जगह दादी जानकी के बच्चियों का दिन था, तो बच्चियाँ चलती थी, हम लोग भी साथ साथ उनके साथ जाते थे। ऐसे करते विदेश से फिर आए वापस, तो साउथ एक्सटेंशन में बड़ा म्यूजियम बना, बाबा ने कहा म्यूजियम बनाओ, म्यूजियम देखने बहुत लोग आएंगे, उससे और सेवा बढ़ेगी। तो वो साउथ एक्सटेंशन में अपना म्यूजियम देखने लोग आते थे, बहुत मेन रोड था, तो कई जगह से आते थे लोग, तो मालवीय नगर से काफ़ी लोग वहाँ से निकलते थे। तो उन्होंने कहा, जब हम कहते थे ना भाई कोर्स करो, फिर रोज़ाना क्लास होती है इस तरह, तो कहते हम इतना दूर से कैसे रोज आएंगे, आप लोग वहाँ खोलो तो सहज हो जाएगा ना, आप लोग तो हो इतने यहाँ। तो फिर हमने बाबा को लिखा था कि इस तरह से लोग कहते हैं, तो बाबा ने कहा बच्चे किराए पर ले लो मकान। फिर लक्ष्मण जी ने बात करी, बाबा का पत्र भी दिखा, तो एक मकान मिल गया जहाँ तीन कमरे थे, आगे पीछे आंगन था, 200 रुपए 100 रुपए किराया, उसमें एक कमरा उन्होंने बंद रखा, दो कमरे हमको दिए। शुरू किया तो हम लोग 100 किराया और 100 बाकी बाबा का घर भी चलाते थे, खुद को भी चलाते, हमें मौज में थे, हमारे पास कोई सामान नहीं था, एक आध दरी थी वो नीचे बिछाते थे, एक पलंग था पुराना पाकिस्तान का इनको, तो वो पड़ा वहाँ लक्ष्मण जी सोते थे, बाकी माता जी और हम। बाबा दिल्ली में आते रहते थे, लास्ट टाइम माथुर जी के कोठी पर बाबा आए, 10 दिन बाबा वहां रहे, वो 10 दिन हमने बाबा के भोजन की ड्यूटी ली थी, बाबा का भोजन हम बनाएंगे। तो माथुर जी पहले तो बहुत बिजी रहता था ना, और उनको तनाव भी, फिर तो ठीक हो गया, बहुत खुश हो गया, और बाबा 10 दिन रहे, बाबा उसकी टूर हो गई, तो कहते बाबा मुझे जाना पड़ेगा, तो बाबा ने कहा तू जाएगा तो मैं भी जाऊंगा, बाबा नहीं बाबा आप रह सकते हो यहाँ पर, बाबा ने कहा नहीं मैं नहीं रहूँगा, आप भले टूर पे हो गया। तो वो 10 दिन हमने बाबा का जो भोजन की ड्यूटी ली, तो हर समय बाबा जो बताते थे ये बनाना है, कभी VIP आते थे तो उनका भी भोजन होता था, पर बहुत अच्छे रूप से बाबा का सारा कार्य चला, और माथुर जी अपना टूर पे गया और बाबा ने मधुबन चले गए। लेकिन वो 10 दिन में बहुत भाई बहन आए, नए नए भी आए, बाहर अपने आसपास के शहरों से रात को बैठे सुबह पहुंच जाते थे, बाबा की वाणी सुन के फिर शाम तक चले जाते थे, इस तरह से बहुत अच्छा बाबा का हमारा जो कहे बाबा ने हमें, जिस प्यार की कमी थी हमारी लाइफ में कि हमें माँ बाप की पालना ने, वो हमारी बाबा ने बहुत आराम से पूरी करी, और हमें बहुत कुछ सीखने को मिला, बाबा के सेवा की मिला, क्या क्या कैसे कैसे चलना है हर प्रकार से। और बाबा ने हमें, क्योंकि भाई साहब के पास तो इतना कुछ था ही नहीं, तो बाबा ने हमको बिस्तर भी बना के दिया, कई चीज़ें मतलब जैसे बाबा को लगता था, और दीदी हमको बाबा को सारा समाचार देती थी। तेरा वो प्यार है बाबा जो समझा
से जब अव्यक्त बाबा से मिलते, बची मालवीय नगर, मालवीय नगर सब मिलते ही बस हम लोग नजदीक जाते थे बाबा के पास, तो मालवीय नगर माला माल ये वरदान जरूर देते थे। और थोड़ा सा और बाबा एक शब्द कहते थे, बच्ची थोड़ी चतुराई सीखो। अब चतुराई कैसे सीखो, तो हमने चतुराई शब्द भी नहीं सुना था और हम बिल्कुल सिंपल लाइफ में चले थे, हमें कोई हेरा फेरी करने की इधर उधर बातें करने की जो आदत ही नहीं थी। तो और जो कोई भी झगड़ा झगड़ा करे हमें अच्छा ही नहीं लगता था। चलो फिर बाबा ने माला माल तो ठीक है, हम कहते बाबा का करा रहा है, कैसे कहाँ से बाबा ने कहाँ पहुंचा दिया और हमें लाइफ बिता दी। तो भारत में भी बहुत शहरों में हमने सेवाएं की, बाबा जहाँ भेजता था, और दादी भी कभी दीदी साथ होती थी, कभी और कोई बहनें थे, कभी बड़े बड़े प्रोग्राम होते थे दादियों के साथ जाते थे, और गुलजार दादी हमारे पास बहुत रहे। अंतिम दृश्य कैसा होगा, बहुत भयानक होगा, लेकिन हम बच्चों को कितना शक्ति स्वरूप बनना, तो ये हमको बहुत अंदर से आता है कि हमें अंत के समय बाबा को खूब याद पकड़ के रखना है, क्योंकि पीछे पीछे माया भी काम करती है, तो लेकिन हमें बाबा को पकड़ के रखना है ताकि हम लास्ट में शक्ति रूप बनकर फेस कर सके। तो उसका हमको अंदर अंदर बहुत अटेंशन रहता है कि हमारा बाबा हमें सदा साथ रहे, बस हमसे अलग ना हो। बाबा ने बताया है कि माया भी तुम्हारे पीछे पीछे रहेगी, प्रकृति का भी प्रकोप रहेगा, मतलब तीन प्रकार से चारों तरफ वो होगा, लेकिन तुम बच्चों को फरिश्ता बन करके और सारे विश्व को लाइट देने, जैसे वो उनको पता चले। और ऐसे अनुभव हमको दो चार हुए भी है कि हम फरिश्ते की तरह ऊपर जा रहे हैं, शरीर से तो ऊपर जा रहे, वो तो सूक्ष्म शरीर होगा ना, और लोग देख रहे हैं कि ये कैसी बहुत बुला रहे हैं, तो हम उनको जैसे वाइब्रेशन देते हैं सब ठीक रहे वो, इस प्रकार के अब ये ध्यान रखते हैं कि व्यर्थ से परे रहे, व्यर्थ बातें, व्यर्थ बोलना या संकल्प, इनसे हम अपने को बहुत परे करते, शांत रहो, कोई ऐसी बातें ना करो जिससे हमारा टाइम वेस्ट हो जाए, क्या पता इतनी आयु हो गई, क्या पता किस समय बाबा का बुलावा आता है, तो इसीलिए हमें तैयार रहना है, किसी के भी प्रति कोई ऐसा भाव न हो। का योगी जीवन इतना अच्छा रहा, जिस योग साधना से सारा ही वातावरण चुंबकीय आकर्षण वाला बन जाता था। अनेकों बार हमने उनको पाया कि पूरी पूरी रात बैठ करके चंद्रमा को देख करके भी आप योग साधना किया करती थी, और इससे वातावरण इतना शक्तिशाली बन जाता था जिसमें अनेकों भाई बहनें भी
यहाँ पर योग साधना के द्वारा लाब लिया करते थे। जी, और भाई साहब सबको प्यार करते हैं, लेकिन सबको ऐसे लगता है कि जैसे वो मुझे ही बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। तो ये मैजिकल चीज मुझे लगता है कि ऐसे मेरे में आनी चाहिए। केवल दो बच्चे हैं मेरे, मैं जितना भी उनको समय दूं, पर फिर भी दोनों में से किसी न किसी की एक शिकायत हो ही जाती है कि आप ज्यादा समय दूसरे को देते हो। तो मैं सोचती हूँ कि ऐसे कैसे बाबा ने ये चीज, ये कला सीखी और फिर ऑटोमेटिकली उनसे बहन जी और भाई साहब जैसे बच्चों ने सीखी। भाई साहब ने हमें ज्ञान में चलना सिखाया, बहन जी ने हमें ज्ञान में उठना बैठना, जिसे कहते हैं लौकिक में कि चलना उठना बैठना खाना, ये सब हम लोगों ने मालवीय नगर में बहन जी भाई साहब के द्वारा सीखा। और हम लोग बड़े फॉर्चुनेट हैं, बहन जी के अंदर त्याग, तपस्या, सेवा भाव और निर्मलता, स्वभाव में सरलता, अपनेपन की भावना, एक जो माता पिता का प्यार बहनों को चाहिए होता है, वो सेंटर पर आने को प्राप्त हुआ। बहन जी ने सेवाएं करनी सिखाई, किस तरह से सेवा केंद्र पर रहा जाता है, क्या क्या मर्यादाएं हैं, नियम हैं, हर प्रकार की हमको ट्रेनिंग दी। बेशुमार बाबा मधुर रागिनी सा।